अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इज़्ज़त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदेद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं? आज हम आपके लिए मलाई फॉइल चिकन बना रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ यमी रेसिपी फॉर इफ्तार। आपको रोज़ रोज़ पकौड़ों जो फ्राई हम करने खड़े हो जाते हैं, समोसे और दुनिया की फ्राई चीज़ें, ये बहुत हेल्दी है और बहुत मज़े की लगती है इफ्तार पे। आप डिनर पे भी बना सकते हो और आप इफ्तार पे भी बना सकते हो, लेकिन इफ्तार के लिए बड़े मज़े की लगती है। पहले से आप इसको स्टीम करके रेडी करके रख लो एंड दैट्स इट, ठीक है। और हम बना रहे हैं इसके साथ एक बहुत ही मज़े का कोकोनट का मीठा, कोकोनट ड्रीम डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक्चुअली कल पूरा दिन हम बहुत बिज़ी रहे, हमारी रमज़ान आईडी शूट थी हॉग्स पे आप देखिएगा कितनी मेहनत की है हमारे डायरेक्टर्स ने और क्या क्या ज़बरदस्त बनाया है उसको, तो इसलिए मैं ये केक बना नहीं सकती हूँ, तो केक भी आपके सामने बनाऊँगी। आई डोंट हैव अ चॉइस। लेने को तो आप रेडीमेड केक ले सकते हो बेकरी से, लेकिन इसमें कोकोनट केक जाएगा, तो इसलिए आई हैव टू मेक इट, अभी बनाऊँगी। अच्छा, और तो ये आज दो चीज़ें हैं। और हमारे पास आज हमारे शो पे स्विस मिस भी है। स्विस मिस से तो हर कोई वाकिफ है, जब से हमारी शादी हुई है उस वक्त से स्विस मिस का नाम सबको पता ही है, और स्विस मिस की लिपस्टिक्स बहुत ही पॉपुलर हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त से शेड्स मौजूद हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान का। और सब में मज़े की बात यह है कि जो इनके ब्रांड्स हैं बहुत इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल प्राइसेस के होते हैं कि हर कोई उसको अफोर्ड करके ख़रीद सकता है। और इनकी लिपस्टिक्स और जो इनकी नेल पॉलिशेस हैं ये बहुत लास्टिंग भी होती है, मतलब काफ़ी अर्सा आपने लगाया और आपने यूज़ कर लिया। और अब इसमें स्विस रोल स्विस मिस की फ्रेग्रेंसेस भी शामिल हो गई, यानी इनके परफ्यूम्स हैं और इनकी इस तरह की चीज़ें भी शामिल हो गई हैं, जो कि बहुत ये भी इकोनॉमिकल प्राइस पे है और लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ रखा हुआ है हमारे पास, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम मैं चलती हूँ अपने केक की तरफ, कोकोनट ड्रीम डेजर्ट के लिए पहले मैं बनाऊँगी इसका केक, ठीक है। अच्छा, लोव पैन लेना है आपको, पता है आपको करना क्या है, सारी चीज़ें इकट्ठे डालें प्याले में, या तो बीट कर लें या तो ब्लेंड कर लें या तो वुडन स्पून से मिक्स कर लें। आधा कप मैदा, आधा कप मैदा होता है 4 ounces, 4 ounces होता है 8 tablespoons। ठीक है, 4 1/2 cup या 4 ounces चला गया मैदा। कोकोनट मिल्क पाउडर इसमें जाएगा 10 tablespoon। बेकिंग पाउडर इटालिया का 1/2 teaspoon और बेकिंग सोडा 1/2 teaspoon। ठीक है, 1/2 teaspoon इटालिया का बेकिंग पाउडर और 1/2 teaspoon इटालिया का ही बेकिंग सोडा। ¾ cup शुगर और हमें चाहिए पिंच ऑफ सॉल्ट। थ्री फोर्थ कप शुगर होती है 6 ounces, 6
छः आउंसेस का मतलब हो गया 12, मेरे पास इधर कप्स नहीं है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा, 1 अंडा जाएगा इसमें, 1/2 कप दूध जाएगा, वेनिला एसेंस और कोकोनट एसेंस दोनों 1/2 चाय का चम्मच। कोकोनट और वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। और मैं इसमें डालूंगी ऑयल और मिल्क, मिल्क है 1/2 कप, ठीक है। और इसमें जाएगा मिल्क के बाद ऑयल, इटालिया का, देखें हम अपने इटालिया के फार्मेस ऑलिव ऑयल में बेकिंग भी करते हैं। अच्छा, इसमें मिल्क जाएगा 50 ml, थ्री एंड फोर टेबलस्पून, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने पैन को ग्रीस करेंगे, लोफ पैन लिया है मैंने, इसको ग्रीस करेंगे पामेस ऑलिव ऑयल से। और इसको मैं बीटर से बीट कर लेती हूँ, ठीक है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए पैन में डालूँगी और इसको मैं बेक करने रख रही हूँ, जब तक आप चलिए ब्रेक की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक। जल्दी से रिकैप कर रही हूँ मैं केक का, जो मैं ओवन में डाल चुकी हूँ। सारी चीज़ें आपको केक के लिए एक प्याले में या एक ब्लेंडर में डालें, या बीटर यूज़ कर लें, या हैंड विस्क यूज़ कर लें, या ब्लेंड, ये बीटर या ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालें, ब्लेंड करें 1 मिनट के लिए और अपने ग्रीस लोफ पैन में डाल के 20 मिनट्स के लिए बेक कर दीजिए। मैदा लिया था 1/2 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर लिया था मैंने 10 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर इटालिया का 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 चुटकी, और मैंने डाला था उसमें 3/4 कप शुगर यानी 6 आउंस या 12 टेबलस्पून, और ऑयल मैंने लिया था 5 टेबलस्पून या 50 ml, 1 अंडा, ठीक है। और मैंने इसमें शामिल किया था दूध 1/2 कप और वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, कोकोनट एसेंस 1/2 टीस्पून, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने उसको बीट किया हार्डली 1 या 2 मिनट, और फिर उसको लोफ पैन, ग्रीस लोफ पैन में डाल के अवन में डाल दिया है 180 डिग्रीज पे, 20 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर मैं इसका सेकंड स्टेप बताऊंगी, जो मुझे इसकी गिनाश बनानी है वाइट चॉकलेट के साथ और क्रीम के साथ, और वो उसकी फिलिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आप शॉट ग्लासेस में कर सकते हैं, ट्राइफिल बोल में कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मेरे पास फॉइल चिकन के लिए रखा हुआ है स्टीमर, हर आसानी से ही आपको मिल जाते हैं। ओके, अब स्टीम फॉइल चिकन के लिए मुझे 1 किलो मुर्गी चाहिए, जिसके मैंने कराए हैं 12 टुकड़े, इसके छोटे पीसेस नहीं होते हैं, इसके बड़े पीसेस होते हैं, 8 भी करा सकते हैं। इसको हम मैरिनेट करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, वन टेबल स्पून। मैंने फॉइल चिकन आप लोग को पहले कराई है, बट दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट रेसिपी, बिल्कुल उसमें सब्जियां और ये इसमें टॉपिंग वॉपिंग उसमें कुछ नहीं पड़ती है, ये बहुत डिफरेंट है। हरी मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून,
हरी मिर्च पीसने की मेहनत नहीं करना है तो ग्रीन चिली सॉस डाल दें. क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून. उसके बाद में ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून. ठीक है, और ऑरिगैनो इटालिया का 1 टीस्पून. फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हंग कर्ड 4 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस 1/4 कप या 4 टेबलस्पून. बहुत अच्छी तरह आपको इसको मिक्स करना है. अब मैं बनाऊंगी इसकी टॉपिंग. ये इसलिए मैं ये चिकन रमज़ान के लिए करा रही हूँ कि आपको पता है इबादत असर से मग़रिब की इबादत की क्या बात है. तो आपने ये सुबह मैरिनेट करके रख दिया और फिर असर से पहले आपने इसको फॉइल में डाला, टॉपिंग इसकी ऊपर डाल के, और स्टीम करने रख दें 40 से 45 मिनट्स के लिए. अच्छा, इसकी आपको टॉपिंग बनानी है. ठीक है, टॉपिंग के लिए मैं लूँगी चेडर चीज़, ये रखी हुई है मेरे पास ग्रेटेड. इसमें जा रहा है ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून. ठीक है, इसमें जा रहा है सॉल्ट 1/2 टीस्पून. मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून, 3 to 4 टेबलस्पून भर के. ठीक है, ये चला गया. उसके बाद इसमें काजू जाएंगे पिसे हुए 2 टेबलस्पून. काजू नहीं है तो बादाम भी डाल सकते हैं. और क्रीम जाएगी इसमें 1/2 कप. इसको मैं मिक्स कर रही हूँ जब तक आप लोग चलिए ब्रेक लेके आइए. जी जनाब, वेलकम बैक. ये देखें, ये मैंने मैरिनेटेड चिकन का पीस उठाया और हमने अपने फॉइल में रखना है इसके मसाले के साथ. और फिर इस पर हमने ये हमारी चीज़, ग्रेटेड चेडर चीज़, क्रीम, काजू, इन ब्लैक पेपर, सॉल्ट, इस सब की हमने टॉपिंग जो बनाई थी ये हमने इसमें डाली. और इसको फोल्ड करना है. ये देखें, टॉपिंग. बस केक भी हो गया, मैं निकालने जा रही हूँ और फिर नीचे पे आ रही हूँ. गरम गरम होती है, इतना अच्छा लगता है. टेबल पे फॉइल के साथ ही ले जाएं और खोल के खाएं.
मैंने 12 टुकड़े करवाए, 8 भी करवा सकते हैं। बस अब इसको हम प्रोग्राम के ख़त्म तक स्टीम करूँगी और फिर निकाल के एक खोल के आपको पीस दिखाएंगे और सर्व करेंगे, ठीक है जी। चलें, ये हमारी हो गई फॉइल चिकन। एक मुर्गी ली थी 12 टुकड़े करा के, अदरक लहसुन का पेस्ट, इटालिया का 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 1 टीस्पून, क्रश रेड पेपर 1 टीस्पून, हरी मिर्चें पेस्ट 1 टेबलस्पून, क्रश रेड पेपर 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, इटालिया का ओरिगैनो 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून लेवल्ड, हंग कर्ड, दही को हैंग कर लीजिएगा, पतली दही नहीं जाएगी, सारा मसाला बह जाएगा। 4 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लेमन जूस, 4 टेबलस्पून। इसमें आप चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ दें या 2-3 घंटे लाजमी छोड़ दीजिए। फिर हम बनाएंगे इसकी टॉपिंग। अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा बोलिए, बोलिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपका टीवी खुला हुआ है? अच्छा जी, फिर टॉपिंग मैंने बनाई चेडर चीज़ 1/2 कप, ब्लैक पेपर उसमें डाली इटालिया की 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, मेयोनीज 4 टेबलस्पून, काजू या बादाम पिसे हुए 2 टेबलस्पून और क्रीम 1/2 कप। सबको साथ मिक्स कर दें और चिकन को रखें फॉइल के पीसेस में, एक पीस को एक फॉइल में, ठीक है। और उसके ऊपर टॉपिंग डालें 1/1 टीस्पून भर के और रैप करें और स्टीम करने रख दीजिए। जब आप उसको खोलेंगे पूरी उसमें चीज़ मेल्ट हुई भी होगी और इतने मज़े की वो चिकन लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। ओके, अब ये तो हमारी कंप्लीट है, बस आपको सर्व करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, केक निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस मीठे के लिए केक, आपका कोकोनट केक तैयार हो चुका है। अब मैं वाइट चॉकलेट लूँगी, ये रखी हुई है मेरे पास। मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स ले ली हैं 300 ग्राम। इसमें मैं एक पैकेट क्रीम का डालूँगी, ठीक है। एक पैकेट क्रीम का डाल के और इसको मुझे कुक करना है जब तक कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब हमारे पास व्हिपिंग क्रीम रखी हुई है, ठीक है। मैंने बीट करके लाई थी घर से, वो है तकरीबन 2 कप। उसमें मुझे कंडेंस मिल्क शामिल करना है और ये करना है शामिल कोकोनट मिल्क पाउडर, ठीक है। मैं निकाल के ला रही हूँ, फ्रिज में है। बेटा क्रीम मंगवा दो। ठीक है, ये देखें, ये चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो रहे हैं हमारे अच्छी तरह से क्रीम के साथ। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएंगे हम इसको डालेंगे हमारी व्हिप्ड क्रीम में। क्रीम फिटी हुई जो है मेरे पास उसमें मैं डालूँगी। साथ में मैं डालूँगी कोकोनट मिल्क पाउडर 5 टेबलस्पून और मिल्काना का कंडेंस मिल्क। बस ये देखते हुए आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ये देखें,
इसको मैं बिल्कुल हल्का कर रही हूँ। ब्रेक आ चुकी है लेकिन मैं ये आपके सामने डाल के जाना चाह रही हूँ। देखें ये व्हिप्ड क्रीम है, ठीक है। इस व्हिप्ड क्रीम में मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप मिल्काना का कंडेंस मिल्क। ज़्यादा नहीं डालिएगा, वाइट चॉकलेट पहले ही बहुत मीठी होती है, ठीक है। ये डाल रही हूँ मैं, और मैं इसमें शामिल करूँगी कोकोनट मिल्क पाउडर। चलें जी, मैं डाल के मिक्स कर रही हूँ, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। ये ठंडा हो जाएगा मेरा, फिर वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। चिकन मैंने डाल दी है अपनी स्टीम करने के लिए, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं करना है। आधा घंटा से 35 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए वो स्टीम होगी एंड दैट्स इट। ये मैंने कोकोनट स्वीटन कोकोनट थोड़ा सा हल्का सा मैं वो कर रही हूँ कलर देने के लिए। अच्छा ये देखें, ये क्रीम जो हमने फेंटी थी, कंडेंस मिल्क के साथ, और इसमें 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला था। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कोकोनट सॉरी वाइट चॉकलेट का गनाश या कस्टर्ड जो भी आप समझ लें, क्रीम के साथ जो मैंने बनाया था। 1 पैकेट क्रीम और थोड़ी सी चॉकलेट 300 ग्राम में से बचा ली थी मैंने, ये रखी हुई है ऊपर की टॉपिंग के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, स्पैचुला से कर लें, विस से कर लें, बीटर से कर लें, आपकी मर्जी है। ओके, इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल, दिस इज़ ऑप्शनल, लेकिन मेरे पास डब्बा खुला हुआ है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा कोकोनट केक जो हमने बनाया था, उसको हम थोड़ा सा सिरप से मॉइस्ट कर लेते हैं। पीसेस काट लिए मैंने, और इसमें मैं शामिल करूँगी फ्रूट कॉकटेल। बहुत मज़े का लगेगा, बल्कि आप लिख ही लें। ये ऐसे क्विक मीठे हैं कि ना आपका टाइम ज़ाया होगा, सब चीज़ घर पे मौजूद है आपके पास, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा कस्टर्ड क्रीम का जो हमने बनाया है वाइट चॉकलेट के साथ। आप चख लीजिएगा,
वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मज़ीद कंडेंस मिल्क की, बिकॉज वाइट चॉकलेट हमारी काफ़ी हद तक मीठी होती है। कोई इसका कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं है, कोई पाइप नहीं करूँगी क्रीम से, कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ इस पे ऊपर जाएगा हमारा कोकोनट। स्वीटन कोकोनट है, नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, आप आम ऐसा नारियल ले लें जो आपको मिल जाता है, और उसमें आप थोड़ी सी आइसिंग शुगर मिला लीजिएगा। थोड़े से मैंने चॉकलेट चिप्स बचा लिए थे 300 ग्राम में से। फ्रिज में रख दें जब तक आपको इसको सर्व करना है, ताकि ये चिल्ड रहे। ठीक है, कोकोनट डेज़र्ट हमारा हो गया रेडी। अब हमारी चिकन को है, ये रीकैप ब्रेक आ चुकी है, इसको मैं 10 मिनट अभी हाथ नहीं लगा रही हूँ, ब्रेक से आऊँगी फिर मैं इसको हाथ निकालूंगी और आपको एक खोल के दिखाऊंगी। ठीक है, जब तक इंशाल्लाह हो जाएगी, मिलते हैं आपसे रीकैप के साथ। कोकोनट ड्रीम डेजर्ट अज्जा, मैदा आधा कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 10 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक एक चुटकी, चीनी 3/4 कप, तेल 50 मिलीलीटर, अंडा एक अदद, गर्म दूध आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, कोकोनट एसेंस आधा चाय का चमचा, व्हाइट चॉकलेट 300 ग्राम, क्रीम 250 मिलीलीटर, व्हिप्ड क्रीम 2 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, पिसा खोपरा टॉपिंग के लिए। तरकीब, ब्लेंडर में मैदा, कोकोनट मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी, तेल, अंडा एसेंस और दूध यकजान कर लें। ट्रे या लोफ टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। व्हाइट चॉकलेट और क्रीम पिघलने तक पकाएं। व्हिपिंग क्रीम बीट करें। पिघली चॉकलेट और क्रीम कोकोनट मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क के साथ डालें। केक को डिश की तह में रखकर कोकोनट क्रीम डालें। पिघली सफेद चॉकलेट शामिल करके सेट होने दें। खुश खोपरा छिड़क कर ठंडा करें और सर्व कर दें। मलाई फॉयल चिकन अज्जा, चिकन 12 टुकड़े 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे। टॉपिंग के लिए अज्जा, कद्दूकश चेडर चीज आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप। तरकीब, तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रखें। फॉयल का टुकड़ा लेकर चिकन को दरमियान में रखें। टॉपिंग का एक चमचा ऊपर डाल के फॉयल चारों तरफ से बंद करें। सर्व करने से पहले 15 मिनट स्टीम दें और गर्म सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ज़बरदस्त सा मीठा जो कि हमने आपके लिए बनाया था, कोकोनट ड्रीम डेजर्ट। थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए चॉकलेट, डार्क चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, और ये हमारी फॉइल चिकन है, मलाई फॉइल चिकन। इसमें मेयोनीज है, इसमें क्रीम है, इसमें चीज़ है, और ऊपर से टॉपिंग देखें कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है, और चिकन बेहतरीन सॉफ्ट हो गई है। आप इसको खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, एक बात आपको बता दूं, इस रेसिपी से आप चॉप्स भी बना सकते हैं। चॉप्स में आपको सिर्फ करना क्या होगा, 1.5 टीस्पून 1 किलो चॉप्स में मीट टेंडराइजर पाउडर लगाना होगा, और कम से कम 3-4 घंटे मैरिनेट करके इसी तरह फॉइल में लपेट के उसको आप स्टीम करेंगे 1 आवर के लिए। चिकन तो हमारी बेहतरीन हो गई है 30-35 मिनट्स में, चॉप्स को आप स्टीम करेंगे 1 घंटे के लिए, चॉप्स भी बेहतरीन बनेंगे। ठीक है जी, चलें जी, वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का।
इस वादे के साथ इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और ज़िंदगी अता की, कल आपसे सुबह 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। और अगर रमज़ान शरीफ हो जाता है तो मेरा शो कल होगा 5 से 6, मसालेदार रमज़ान कल होगा 5 से 6, अगर रोज़ा हो गया तो, वरना नहीं हुआ कल तो फिर अपने वही टाइम पे होगा। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।